रूप सार मोती घूर न बजा छम छमा जागी जा मटु मटु जोलो किल जे छम छमा रूप सार मोती घूर न बजा छम छमा जागी जा मटु मटु जोलो किल जे छम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टाइल्स वन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं डोलिया पहाड़ी, और डोलिया पहाड़ी जाने से पहले हम कज़न को उसके कॉलेज से पिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे डोलिया पहाड़ी। जो डोलिया पहाड़ी है वो एक रेस्टोरेंट है, बट वहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही ऑसम दिखता है। तो वैसे इससे पहले भी मैं डोलिया पहाड़ी गई थी, बट मैंने शूट किया था, मैंने पोस्ट नहीं किया था, तो आज मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम आ गए हैं ताऊजी के घर से ऊपर रोड में। इवन हम कॉलेज कज़न के कॉलेज पहुंचने वाले हैं, बट क्या है कि ना नीचे से ऊपर आते वक्त ना बहुत चढ़ाई सी लगती है मुझे, जिस वजह से मेरे से बोला भी नहीं जाता। इवन अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बहुत सांस फूलती है चलने में। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ का व्यू देख लो। मैं छाया में खड़ी हो गई हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप में बहुत हालत ख़राब हो जा रही है। छाया में ना बहुत ठंडी नहीं हवा चल रही है, बट धूप में तो बिल्कुल भी खड़े होने लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने लाइनर लगाया हुआ है, वाइट मतलब कंसीलर का ही हैक मैंने वो ट्राई किया हुआ है। ये ना मेल्ट होके ऊपर आ गया था सारा लाइनर, वो वाइट लाइनर जो है वो मैसी हो गया है इसी वजह से। इवन यहाँ पे मेरी इतनी टैनिंग हो गई है फेस में कि कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन का जो शेड है ना वो लाइट हो गया है बहुत ही मेरी स्किन टोन के हिसाब से। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो अपने फाउंडेशन और कंसील का जो शेड है वो थोड़ा सा एक शेड या दो शेड डालकर ही सेलेक्ट करें, क्योंकि उसके बाद तो आपको टैनिंग होनी ही है। तो चलिए आप कज़न को लेने चलते हैं। छमा जागी जा मटु मटु जोलो किल जे छम छमा रूप सारा मोती घुंगुर न बजा छम छमा जागी जा मटु मटु जोलो किल जे छम। फाइनली हमने कजन को पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं डोलिया पहाड़ी की तरफ। और यहाँ का जो वेदर है वो आप देख सकते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं डोलिया पहाड़ी और यहाँ से ये है, हमें यहाँ से आगे जाना है। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं डोलिया पहाड़ी और आप यहां से व्यू देख सकते हैं। मोमोज एंड नूडल्स आ चुके हैं। रूप सार मोती घूर
बटर पनीर मसाला और यह है नान और यह है लच्छा पराठा। इन्होंने बटर ऊपर से डाल दिया बहुत सारा, ले डाल दो फिर उसमें। हाँ भाई, ये मेरे मुंह पे लगा दे ऐसे करें। इन्होंने लगाया मैंने फिनिश। अब हम चलते हैं घर की ओर। तो गाइज, ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है और उत्तराखंड का ये मेरा लास्ट व्लॉग था। और यहाँ के अगर रेस्टोरेंट के खाने की बात करूँ तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ का खाना। और प्राइस की बात करूँ तो दिल्ली के जो रेस्टोरेंट के प्राइसेस हैं वही सेम प्राइसेस मुझे यहाँ पर मिले थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।